हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मेरा हॉलीडे है स्कूल से, तो आज मैं आपको घरेलू कितना ब्यूटीफुल व्यू है, हरी हरी मक्की और खोम्स लगी हुई है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, घर में ये वाली चप्पल पहनी है। यहाँ पे मम्मा ने थोड़ी सी सब्जी लगाई हुई है, तो ये रही हमारी बाड़ी, खेती बाड़ी लगा रहे हैं, मतलब लहसुन लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हरी मिर्च कितनी सारी हैं। अभी फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पे मैंने रख दिया ये बीच में, देखिए आप लोगों को दिखेगा नहीं आज की कड़ा। ये जो चुनी हुई है ये मेरे ही घर होते हैं, ये ऐसे नहीं चुनते हैं, इसको साथ साथ से चुनते हैं, ऐसे प्लस ऐसे। फिर आपने ये वाला है, ये खाया है कीड़े ने, लेकिन इसको भी चुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी सब्जी जो मैंने चुन ली है। अभी मैं इसको काटूंगी जाके, इसमें आलू मिक्स करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी। तो सारी रूटीन आज आप लोगों को बताऊंगी, ज़रूर देखिएगा। होम्स कॉर्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न, ये आप देख सकते हैं कितनी सारी है। यहाँ पे देख सकते हैं, वाह, ये इतनी बड़ी कॉर्न है। अब ये मोटी होगी, मोटी होने के बाद इसमें दाने वगैरह बनेंगे, इसको तो बने हुए। ये कैसे निकालूं इनको, ये पत्थरों के नीचे हैं, ये हैं हमारे देसी टमाटर, देसी टोमेटो। ये देखो कितने, दो ग्रीन हैं, तो ये तो जुड़वा है, ले के ही जाती हूँ, दो को ले चली हूँ। ये इसी सब्जी में पड़ेंगे, टमाटर और सारा कुछ मिक्स करके आज बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से थोड़ा ख़राब भी है पर ठीक है, घरेलू चीज़ें जो है वो बहुत ही बेहतर होती है। तो फ्रेंड्स अभी ये हमारी लस्सी बन रही है, आज हम घास काट रहे हैं, तो अभी हम चटनी भी बनाएंगे, मशीन में बनाइए। हमारी सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो गई हैं खाना बनाने के लिए, तो वो आ गई लस्सी, ये चटनी के लिए, ये मिर्चियाँ, ये अखरोट एंड ये खुम, ये कॉर्न, ये बीन्स, तो ये सारी सब्जी मिक्स एंड टमाटर, सारा कुछ घर का ही है। तो अभी हम व्लॉग को जो है ऐसे ही कंटिन्यू हुई करके रखते हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, दिन को बहुत ज़्यादा काम है, तो खाना लेके भी जाना है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा, अभी मैं सब्जी काट लूँ, फिर उसके बाद आपको मिलूंगी। ये देख सकते हैं आप, अभी जो है सब्जी मैंने वॉश करके रख दी है, तो अभी हम आग लगे जलाने, मक्की की रोटियां बनाएंगे आज। तो ये चटनी के लिए सारा कुछ मैंने तैयार करके रख दिया, हरी मिर्च, लहसुन, अखरोट, इसमें और अखरोट डालेंगे एंड ऑनियन। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो डेली देखने को मिलेंगी। आपको पता है फिर गांव में इसी तरह से हम पकाते हैं मक्की की रोटियां। आप इसको थोड़ा इधर करेंगे, मेरे हाथ गीले हैं, यहाँ पे पानी रख दिया, ये आ गया चूल्हा, ये आ गई लकड़ियाँ, तो अभी इसमें आग जलेगी, फिर आप लोगों को बताएंगे इस तरह से इसमें जलाओ आग, फिर मैं अभी बाहर ले आऊँ सारा कुछ। ये होती है हमारी छिंजी, लाइटर भी इसमें रखा हुआ है, तो जिस ये मक्की की रोटियां एक दो पहली हैं, वो भी हम आपको और बना के दिखाएंगे।
ये देख सकते हैं आप हमारी मक्की की रोटियां, ये बन रही हैं और ये आग जल रही है और सब्जी डाली है। तो अभी जो है ये प्रोसेस जो है इस तरह से होता है, एक हाथ में कौन पकड़ा हुआ है ऐसे, अभी मैं कारण भी पकाने लगी हूँ। यह जब पक जाएगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कैसे पकती है। इस तरह से चूल्हे में रखते हैं, इस तरह से पकाते हैं इसको। अभी हम खाना पैक कर रहे हैं भैया और उनके लिए। ये रह गई हमारी चटनी, ये तो ये उनके लिए रखी है, ये कारण भी रखी है उनके लिए खुम। तो ये आ गई है मक्की की रोटियाँ, ये एक छोटा सा बच गया था। तो ये आ गई फ्रेंड्स मक्की की रोटियाँ, कुछ तो मेरे से जल गई हैं फिर भी ठीक ही हैं। तो और चाय वगैरह सारा कुछ तो ठीक है, अभी हम पैक करते हैं इसको, तो चलते हैं खाना।